मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा केंद्र में 300 से ज्यादा छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने 8 लग्जरी कार समेत 22 गाड़ियों को निशाना बनाया। प्रश्न पत्र लीक होने से नाराज छात्रों ने जमकर रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी की, जिसके बाद कॉलेज कैंपस के साथ साथ इलाके के लोगों में भगदड़ मच गई। दरअसल मैट्रिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा कैंसिल होने के बाद परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और इसी कड़ी में आक्रोशित छात्रों ने अपना गुस्सा लोगों की गाड़ियों पर निकाला और सड़क से गुजर रही गाड़ियों के साथ साथ निगम के कचरा वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। छात्रों के इस उपद्रव के बाद कॉलेज कैंपस के साथ इलाके में लोगों में भगदड़ मच गई। ये पूरा मामला पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ एएन कॉलेज में मैट्रिक की परीक्षा देने आए छात्रों को जानकारी मिली थी कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा कैंसिल हो गई है। उसके बाद मौके पर मौजूद छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान सड़क पर जमकर उत्पात मचाया गया। हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर के आगे सब्जी लेकर के लौट रहे थे, सारे आज 8:45 बजे के बाद। इसी समय एट्रेंडम जो है सो आगे देखे कि भीड़ लगी हुई है, लेकिन गाड़ी हमारी 50 मीटर पीछे रही होगी। उसी में लगा कि मॉब आ रहा है, उसी में घेर करके। कितने संख्या में थे स्टूडेंट? 15-20-25 रहे हैं। गिनती नहीं उस समय तो। उस वक्त क्या सोचे सर, जब इस तरह की घटना हुई तो क्या लगा आपको? उस समय आदमी बाइक कुछ घटना होने पर क्या नर्वस हो गया। कितनी संख्या में ऐसी गाड़ी को क्षति पहुंचाया आपने देखा होगा? तो देखे कि कम से कम 10-20 गाड़ी तो हमारे नजर के सामने बरसा रहा। आपकी गाड़ी की कितनी नुकसान हुई है? कम से कम पूरा शीशा बॉडी सब डैमेज हो गया है। ईटा रोड़ा बड़ा बड़ा पत्थर से मार दिया। 1.5 लाख। पुलिस को कंप्लेन आपने कर दिया? अभी पर्चे दे दिया सर। विनय कुमार सिंह है, जीडी मिश्रा पर आरलाल पैलेस में रहते हैं। गौरतलब है कि जमुई से सोशल साइंस का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इसके बाद सोशल साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।